हम जानते हैं कि यांत्रिक तरंगों के जो प्रकार हैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, और इनमें अंतर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है 11th फिजिक्स में, 9th साइंस के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग जो कि यांत्रिक तरंगों के प्रकार है, इनमें अंतर क्या है? मैं बहुत सरल तरीके से आपको ये अंतर बताऊंगा जो आप एग्जाम में लिखकर पूरे अंक प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, फर्स्ट अंतर हम लेते हैं कि इन तरंगों में माध्यम के कणों के कंपन करने की जो दिशा होती है, जो माध्यम के कण होते हैं उनकी जो दिशा होती कंपन करने की, वो तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। अब मैं केवल एक शब्द बदलूंगा, समांतर की जगह मैं लंबवत लिखूंगा, तो मेरा अनुप्रस्थ का पहला पॉइंट बन जाएगा। ये अनुप्रस्थ का पहला पॉइंट बन गया कि इन तरंगों में माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो यहाँ समांतर शब्द हो जाएगा, यहाँ लंबवत शब्द हो जाएगा। अब अनुदैर्ध्य तरंगे जो है वो सभी माध्यमों में संचरित हो सकती है, आप लिख दीजिएगा, ठोस, द्रव और गैस सभी में संचरित हो सकती है। और अनुप्रस्थ में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ठोस रखिएगा, मतलब ये केवल ठोस में संचरित होती है या द्रव की सतह पर संचरित होती है, द्रव के अंदर नहीं होती, द्रव की सतह पर, सरफेस टेंशन के कारण वहां थोड़ा ठोस बन जाता है, तो द्रव की सतह पर संचरित होती है, गैस में नहीं होती। एक अंतर कई बार आप ये बच्चे ये भी लिखते हैं कि ये गैस में संचरित हो सकती है, गैस में संचरित नहीं होती, ये भी ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए, तीसरा अंतर है कि इसमें संपीडन और विरलन बनते हैं। तो दो क्रमागत संपीडन या दो क्रमागत विरलन के जो बीच की दूरी होती है वो तरंग धैर्य के बराबर होती है, और इसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं। तो इसमें दो क्रमागत श्रृंग अर्थात दो क्रमागत गर्त के बीच की दूरी इसमें तरंग धैर्य के बराबर होती है।